हेलो दोस्तों मोनू ट्रल अकेडमी आपका स्वागत है तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बार बॉडीज उसके बारे में पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन उसके मेथड्स कौन कौन से हैं उसका स्ट्रेनिंग मेथड क्या है उसका पर्पस क्या है बेसिकली बार बॉडीज कहते किसे हैं ठीक है ठीके? और ये किस तरह से होता है बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है ये जो बार बॉडी है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का एक टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं बार बॉडीज के बारे में बेसिकली बार बॉडीज के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि बार बॉडीज क्या है कभी कभी हमसे वाइवा में पूछा जाता है कि बार बॉडीज ऐसा क्या है कौन सा टर्म है कंडीशन है इसके बारे में पूछा जाता है वाइवा में ठीक है सो इनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं बार बॉडीज का इंट्रोडक्शन क्या है सो बार बॉडीज और सेक्स क्रोमोजोम्स वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय बार एंड बर्ट्रेन इन नाइनटीन फोर्टी नाइन इन दर्व सेल्स ऑफ कैट्स जो कैट्स होती हैं, बेसिकली जो बिल्लियां होती हैं उनकी नर्व सेल्स में बार बॉडीज पाई गई थी इन नाइनटीन फोर्टी नाइन में ठीक है और किसने फाइंड किया था मिस्टर जो बार थे साइंटिस्ट थे और बर्टन थे उन्होंने फाइंड किया था सो सेक्स मैटिन डेमोन्स्ट्रेशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द क्रोमोजोमल सेक्स इन इंडिविजुअल ओके तो क्या है जो हमारा सेक्स क्रोमोजोम डिटर्मिनेशन है वो आइडेंटिफाई करता है क्रोमोजोमल इंडिविजुअल ठीक है बार बॉडीज इज प्रेजेंट इन नॉर्मल फीमेल न्यूक्लियस जो बार बॉडीज क्या है नॉर्मल फीमेल्स क्रोमोजोम्स की उसमें प्रेजेंट होता है मेल्स में नहीं होता विच कैन बी ऑब्जर्व इन एपिथीलियल सेल्स ओके कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं एपिथिलियल सेल में म्यूशियन मसल सेल्स होता है हमारा ब्लड सेल्स होगा ब्लड ब्लड सेल के न्यूट्रोफिल में एक्सेट्रा इट अपीयर्स एज डार्कली स्टेन्ड डॉट ऑन न्यूक्लियस मैमब्रेन ओके ऑफ द फीमेल न्यूक्लियस जो फीमेल न्यूक्लियस होता है डार्कली स्टेन्ड होता है और वहां पे ये प्रेजेंट होता है द सेक्स क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन द फीमेल्स आर एक्सेक्स ओके जो फीमेल का क्रोमोजोम होता है बेसिकली डबल एक्स होता है ठीक है सो बार बॉडी और सेक्स क्रोमोजोम ई प्रेजेंट वेन देयर मोर देन वन क्रोमोजोम अगर बार बॉडी प्रेजेंट है तो क्रोमोजोम क्या होगा वन एक्स से एक्स्ट्रा होगा ठीक है द सेक्स क्रोमोजोम्स ऑफ मेल इज एक्स वाई सो देयर इज नो बार बॉडी इन मेल्स सो जो मेल का सेक्स क्रोमोजोम्स क्या होता है एक्स वाई होता है इसीलिए उनमें बार बॉडीज नहीं पाई जाती बेसिकली फीमेल्स में बार बॉडीज पाई जाती हैं द ह्यूमन एबनॉर्मेलिटी इज कॉल्ड कैलिन इनफ्लैल्टर सिंड्रोम ओके कैली फिल्टर सिंड्रोम होता है और एक टर्नल सिंड्रोम होता है ये दो तरह के डिजीज़ हैं सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ सेक्स क्रोमोजोम जो एक हमने कैली फिल्टर सिंड्रोम पढ़ा है एक टर्नर सिंड्रोम पढ़ा है ये ऐसे एबनॉर्मलिटीज़ हैं जिनमें बेसिकली नेचुरली ही सेक्स क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं इसमें कुछ में होते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स कुछ में नहीं होते तो ये क्या है कैली फिल्टर सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम है बेसिकली फ्रेंड्स ये दो याद रखना वाइवा में जरूर पूछा जाता है द एक्सटर्नल अपियरेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज मेल ही इज लॉन्ग एंड हैंडेड एंड लैग रेशियो ओके ये क्या होता है जो बेसिकली नॉर्मल मेल होते हैं उनकी कंपेयर में क्या होता है लंबे होते हैं इनके जो हाथ होते हैं लंबे होते हैं और लेग के रेशियो इज मोर देन नॉर्मल मेल इनका जो लेग होता है इनका जो हैंड होता है बेसिकली जो नॉर्मल मैन होते हैं उससे लंबे होते हैं बट ऑन अटेंडिंग पेबरिटी इज मे बी फोर्टी सिक्स नॉट फोर्टी सिक्स डेवलप्स नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स लाइक ओके जो बेसिकली क्या होता है फोर्टी सिक्स पेयर्स क्रोमोजोम्स है लेकिन क्या होता है इतने डेवलप नहीं हो पाते जो हमारे बार जो बार बॉडीज हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम्स डेवलप नहीं हो पाते इसलिए क्या होता है ये बार बॉडीज कहलाते हैं ठीक है थीके? तो क्या होता है काफ़ी चेंजेस आती हैं इनमें चेंजेस क्या क्या आते हैं वॉइस में चेंज आता है हेयर ग्रोथ होता है एक्सेट्रा सो बेसिकली क्या है जो उनके अंदर करेक्टरिस्टिक आ जाते हैं वो बेसिकली फीमेल्स के होते हैं तो क्या होता है इनके हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है जैसे फीमेल्स के होते हैं उनके बाल बढ़ जाते हैं उनकी वॉइस में चेंजेस आ जाते हैं ही मे डेवलप गाइनकोमैस्टिन यानी ब्रेस्ट ब्रेस्ट भी डेवलप हो जाता है दी मीन्स फीमेल हॉर्मोन मे बी प्रजेंट इन दैट इंडिविजुअल क्या होता है बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो फीमेल्स के हॉर्मोन्स होते हैं वो बार बॉडीज जो हैं उनके अंदर प्रजेंट होता है ठीक है मे बी प्रजेंट इन इंडिविजुअल ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ बार बॉडीज दे आर विल बी प्रजेंट ऑफ मोर देन वन एक्स क्रोमोजोम्स इसमें क्या होता है बेसिकली बार बॉडीज जो हमारे क्रोमोजोम्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में होता है नॉर्मल के कंपेयर में ठीक है इंटरनल सिंड्रोम द फिजिकल अपियरेंस ऑफ फीमेल बट शी इज स्मॉलर दैन द नॉर्मल हाइट ड्वार्फ ऑन अटेंडिंग प्यूबरिटी ओके बेसिकली क्या होता है जो मैंने आपको दो बताए हैं इस जिसमें टर्नर सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है फ्रेंड्स इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं बहुत छोटी होती हैं ड्वार्फ होती हैं हाइट में इनका जो फिजिकल अपियरेंस होता है वो स्मॉल होता है शी विल नॉट डेवलप दिस सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट ओके मैंसुरेशन एक्सेट्रा ये क्या होता है इनके अंदर जो डेवलपिंग होती है वो क्या होती है सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपिंग नहीं हो पाती है ब्रिज डेवलप नहीं हो पाता है और मैंसुरेशन साइकिल भी नहीं हो पाती है ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है इनके अंदर बार बॉडीज होती हैं ठीक है थीके? ये बार बॉडीज कहलाते हैं बाय बार बॉडीज डिटर्मिनेशन यूज कैन फाइंड दैट देयर इज ओनली वन एक्स क्रोमोजोम इज दैट इंडिविजुअल इज दैट बार बॉडीज आर अपसेंट फोर्टी सिक्स इंटू जीरो ठीक है इनके अंदर सिर्फ वन एक्स क्रोमोजोम्स होता है बेसिकली फीमेल के अंदर कितना होता है डबल एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं सो फ्रेंड्स क्या है बेसिकली मैथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ बार बॉडीज हम बार बॉडीज को किस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो हम वो पढ़ेंगे सो so बेसिकली हमें स्पेसिमेंस क्या क्या लेने हैं जो बार बॉडीज़ हैं उनको फाइंड करने के लिए हमें स्पेसिमेंट क्या क्या लेना है स्किन बायोप्सी कर सकते हैं हम ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन कर सकते हैं वेजाइनल स्मेयर बना सकते हैं बकल म्यूकोसा का स्पेसीमेंट भी ले सकते हैं ठीक है स्किन बायोप्सी के अंदर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स आर वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम कलेक्शन सो दिस मैथड इज़ नॉट यूज स्किन वापसी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इसलिए इसका कलेक्शन बहुत ही कम किया जाता है या नहीं किया जाता ठीक है ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन आफ्टर स्टेनिंग विद रोमैंस की स्टेन बार बॉडी विल बी डिटेक्टेड इन न्यूट्रोफिल्स सो बेसिकली क्या है ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे ब्लड सैंपल लेंगे और फिर क्या करेंगे उसको स्लाइड uh, बनाएंगे स्लाइड बनाने के बाद उसे माइक्रोस्कोपी में एग्जामिनेशन करेंगे उसमें न्यूट्रोफिल्स देखेंगे ठीक है वेजाइनल स्मियर वेजाइनल स्मेयर बनाएंगे द सेल्स फ्रॉम द वेजाइनल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आफ्टर स्ट्रेनिंग शो दी अप सेंस ऑफ बार बॉडीज ठीक है दीयर रेंज ऑफ द वेजाइनल सेल्स बट दिस स्मेयर इज ओनली टू बी प्रिपेयर फ्रॉम फीमेल्स जो जो हम वेजाइनल स्मेयर बनाएंगे बेसिकली क्या है इसमें जो न्यूक्लियस मैमब्रेन होगी स्ट्रेनिंग के बाद अप सेंस दिखेगी बार बॉडीज में न्यूक्लियस नहीं दिखेंगे ठीक है सो so, इसका जो अपियरें रेंज है बेसिकली किस में किस किस का सैंपल लेके करते हैं हम फीमेल्स का ठीक है फीमेल से सैम्पल लेके फिर हम वेजैनल स्वैब का स्मेयर बनाते हैं बकल म्यूकोसा दिस इज मोस्टली यूज मैथड ऑफ कलेक्शन स्पेसिमैन फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ द बार बॉडीज बकल म्यूकोसा का जो स्पेसीमैन है वो बहुत ही ईजिली लिया जाता है और इसका जो कलेक्शन स्पेसीमेन है मोस्टली ये मेथड यूज किया जाता है बकल म्यूकोसा का डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बार बॉडीज़ को ठीक है कलेक्शन किस तरह से दिसमेट इज कलेक्टेड बाय दिस स्कार्पिंग एंड इनसाइड साइड चिक विद अ स्पैचुला बकरोसा का सैंपल कैसे लेते हैं उसमें क्या करते हैं हम स्कार्पिंग करते हैं जो हमारा चिक है ठीक है इनसाइड साइड द चिक जो चिक के अंदर का एरिया है वहां पर स्क्रैपिंग करते हैं एंड देन क्या करते हैं स्पैचुला से कुछ टिशूस पिक करते हैं ठीक है सो फ्रेंड जो इस मेयर की प्रिपरेशन है बेसिकली आफ्टर द कलेक्शन सैम्पल एस मेयर इज प्रिपेयर ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड जो स्मेयर हम प्रिपेयर करेंगे क्लीन ग्लास स्लाइड पर करेंगे फिक्सेशन कैसे करेंगे आफ्टर कलेक्टिंग द सैम्पल एस स्मीयर इज प्रिपेयर अ क्लीन ग्लास स्लाइड आफ्टर मेकिंग द स्मीयर इट इज इमीडिएटली पुट इन द फिक्सेटिव ओके जैसे ही हमने स्पेसिमे कलेक्ट किया उसकी स्मेयर बनाएंगे एंड देन फिक्सेटिव में फिक्स कर देंगे द फिक्सेटिव इज इक्वल इज टू इक्वल पार्ट ऑफ द अल्कोहल एंड ईथर क्या होता है जो अल्कोहल और ईथर है वो इक्वल पार्ट में होने चाहिए जब हम उसे फिक्स करेंगे और क्या करेंगे हम उसे एच डी स्टेन भी कर सकते हैं और एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कर सकते हैं फ्रेंड्स हम इसमें स्टेनिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है हम वो देखते हैं बार बॉडीज जो सेक्स क्रोमेटिन है अपीयर एज अ डीपली स्टेन डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा जो हमारा जो ये बार बॉडीज है सेक्स क्रोमेटिन है ये क्या होगा बहुत डीपली स्टेन होंगे और डॉट लाइक स्ट्रक्चर में हमें दिखेंगे स्लाइड के ऊपर ठीक है माइक्रोस्कोप में जब हम ऑब्जर्व करेंगे इन द न्यूक्लियस लाइन क्लोज एंड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ओके जो साइटोप्लाज्म होगा वो कलरलेस होगा ठीक है फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म कलरलेस होगा उसका जो बाहर का ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो हमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर में दिखेगी नॉर्मली हंड्रेड वेल फाउंडेड न्यूक्लियस ऑफ द एग्जाम इन फॉर द प्रेजेंस ऑफ एबसेंस ऑफ सेक्सक्रोमेटिन आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन इफ द न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन सेक्सक्रोमेटिन द रिजल्ट कैन बी गिवन एज क्रोमैटिन सो बेसिकली क्या है एक फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ न्यूक्लियस कंटेन सेक्स क्रोमैटिन पॉजिटिव ओके जो फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट होंगे न्यूक्लियस वो क्या करेंगे सेक्स क्रोमैटिन प्रेजेंट होगा उनके अंदर वो पॉजिटिव होंगे दी क्रोमोजोमल सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज फीमेल इफ द क्रोमैटिन डिटेल्स इज नॉट शार्प रिपीट मेयर शुड बी टेकन फ्रॉम द डेमोन्स्ट्रेशन डिटर्मिनेशन बेसिकली क्या होगा फ्रेंड्स जो अगर हमें स्लाइड में हमें जो न्यूक्लियस है वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं हमें डॉट्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं उसकी डिटर्मिनेशन हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम दोबारा सैंपल की रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें दोबारा सैंपल लेनी है ठीक है सो बेसिकली क्या है हमारा जो बॉडीज था ये यहीं पे फिनिश होता है बॉडीज टॉपिक बहुत ही ईजी टॉपिक है अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया आपको इसमें बेसिकली क्या है जो Uh, जिनके अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो अबसेंट होते हैं या फिर जो ऐसा है कि उन उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं जैसे नॉर्मल फीमेल्स होती हैं उनका जो मैंसूरेशन साइकिल होता है वो नॉर्मल जो बार बॉडीज़ वाले होते हैं लोग उनके अंदर वो नहीं होता है ठीक है उनकी हेयर ग्रोथ होती है नॉर्मल जैसे फीमेल की होती है बट जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके वॉइस में चेंजेस आ जाता है ठीक है तो ऐसी जो चीज़ें हैं इनमें काफ़ी डिफ्रेंशिएशन है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं ठीक है फ्रेंड्स सो क्या है इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं बार बॉडी टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा सो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में